आकलन लगाया गया था, जिस तरह का प्रचार किया गया था कि अब की बार 400 पार, वो और जो वास्तविकता सामने निकल के आई है उसमें जमीन आसमान का फर्क। जो जमीन के मुद्दे थे, बेरोजगारी, महंगाई, जो गरीब अमीर में बढ़ती हुई असमानता है, संविधान को लेकर जो लोगों की चिंताएं हैं, वो सब इस चुनाव में जमीनी स्तर के ऊपर दिखी। मैं एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आज का मकसद प्रेस वार्ता करना नहीं था, पर आप यहां पे आए और मेरे मीडिया से बहुत खट्टे मीठे संबंध रहे हैं। मैं आज 20 साल से कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं और ये मोदी साहब के अंत की शुरुआत है, उनके युग के अंत की शुरुआत है। 10 वर्षों तक बहुत परेशान उन्होंने लोगों को किया और इस बार भी भ्रम का जाल फैलाकर बहुत लोगों से वोटें ले ली। लोगों को लगा शायद यही जीत रहे हैं। चैनल्स में बहुतों ने दिखाया कि जी बहुत यही अल्टीमेटली ये तो जीतना ही, उन्होंने लोगों ने वोटें उस तरह से डाल दी। अगर सच्चाई दिखाई होती, एक चैनल का तो मैं देख रहा था, उन्होंने 360 से 400 दिखाया था और निवेशकों का लाखों करोड़ रुपए डूब गया उस चक्कर में। तो बड़ा सीरियस बात है, कितने लाख करोड़ जो लोगों का डूब गया इसी चक्कर में भी 400 के साथ मोदी सरकार आ रही। सो यार उन बातों को पीछे छोड़कर एक बड़ी शानदार जीत इंडिया लाइंस की चंडीगढ़ में हुई है। मैं कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते, आम आदमी पार्टी के सभी साथियों का जिन्होंने कल एक कार्यक्रम मनीष जी के लिए रखा है, समाजवादी पार्टी का, लेफ्ट पार्टीज के साथियों का, आरजेडी, जो भी छोटे दल जो इसके अंदर मौजूद थे, धन्यवाद। आज वैसे हमने कोई फॉर्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करके, हमने तो मनीष जी का कांग्रेस भवन में स्वागत का कार्यक्रम रखा था। मैंने आप सबको इनवाइट किया था कि फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए, पर चलिए वो कहते हैं ना कि सब कुछ अच्छे के लिए होता है, आप आ गए, बहुत अच्छा, वो आप सबका स्वागत है। आपको मिठाई लड्डू भी खिलाएंगे और आपका धन्यवाद भी करेंगे कि आपने एक बहुत सकारात्मक रिपोर्टिंग इस पूरे चुनाव के दौरान की और आपकी सजगता की वजह से ही पहले मेयर चुनाव के अंदर जो इंडिया लाइंस को जीत मिली, आपने बहुत अच्छे ढंग से उस समय उठाया था। और कल भी जब कुछ ऐसे मोमेंट्स आए, कुछ ऐसा लगा कि फिर से कुछ डिले हो रहा है, 4-5 घंटे मनीष जी और मुझे वहाँ सर्टिफिकेट के लिए वेट करना पड़ा, तो आपने बड़ी सजगता के साथ कई प्रेस में देख रहा था मैं रिपोर्टिंग पूरी, कई चैनल्स ने उसको दिखाया, पर अतः कहते हैं ना, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। सारे डाउट्स जो हमारे राइवल कैंडिडेट है उनके क्लियर होने के बाद और सर्टिफिकेट जो है मनीष तिवारी जी को दे दिया गया और ये हैट्रिक है मनीष तिवारी जी की सांसद बनने की। शायद ही कोई सांसद ऐसा होगा जिसने 3 अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से लगातार जीत हासिल की पूरे देश में। पहले